आज राजस्थान सरकार, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब मुझे ये फोन करके कहते कि तुम केंद्र सरकार में बैठे हो, राजस्थान के प्रतिनिधि हो, मुझे 100 ट्रेन राजस्थान के लिए और चाहिए। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। तो वो ट्वीट मैंने इसलिए किया कि राजस्थान से एमपी और केंद्र में जल संसाधन मंत्री जोधपुर के रहने वाले और अशोक गहलोत जी ने एज ए मुख्यमंत्री 5-6 बार प्रधानमंत्री से बात कर ली कि हमें गाड़ियां दो, हमें ट्रेनें दो, हमें बसें दो, हम मजदूरों को भेजना चाहते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री मुझे कहता तो मैं 100 ट्रेनें दे देता। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि जिस गजेंद्र सिंह जी को जोधपुर के लोगों ने एमपी बनाया, राजस्थान के लोगों ने एमपी बनाया, वो गजेंद्र सिंह जी यदि ये बात कहें और जो खुद मुख्यमंत्री की जो वीसी थी एमएलए जो एमपी की उसमें नाराज रहे तो कितने गंभीर हैं, इसे हिसाब लगा सकते हैं। ये वक्त जब राजनीति करने का नहीं है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी एनजीओ को, जनता को साथ लेकर के ये कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में राजनीति करना और मजदूरों का उपहास करना, ये मजदूरों के जले में नमक डालना है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और ये चाहिए माननीय जल संसाधन मंत्री जी को कि वो राजस्थान की जनता से इस बयान के लिए माफ़ी मांगे और बिना किसी ऐसी बातें किए भविष्य के अंदर लोगों की सेवा, वो ये तो बतावें कि उन्होंने कोरोना पीड़ितों की कितनी सेवा करी, कितने मजदूर बाहर भेजे, कितने मजदूर बाहर से बुलाए, इसलिए मैंने ट्वीट किया था।